मंच पर विराजमान पूज्य यति नरसिंहानंद महाराज जी, पूज्य साध्वी लक्ष्मी माता जी, हमारे जितने मंच पर बैठे पूज्य संत चरण, न्याय मंच के हमारे अध्यक्ष जी तुफैल चतुर्वेदी जी, हिंदू जाना मंच के हमारे प्रदेश के संयोजक विनोद जी, हमारे धर्म जागरण के कार्यकर्ता और विद्वान जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस्लाम और वामपंथ नाम की बहुत लोकप्रिय किताब लिखी, पूरे देश में जानी जाती है। यहाँ पर वो पुस्तक अंग्रेजी में उसका भाष्य यहाँ पर मौजूद है स्टॉल पर। और हमारे राकेश जी, अनिल जी, अन्य कार्यकर्तागण और आए हुए पटना बिहार के प्रबुद्ध नागरिकगण, अभी हम लोगों ने स्वामी जी का बहुत क्रांतिकारी भाषण सुना है। हो सकता है कि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन मैं कुछ अपने धर्म के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि दुनिया में अगर सनातन धर्म नहीं रहा तो विश्व के अंदर ईसा मूसा के युद्ध का मैदान के अलावा कुछ रहने वाला नहीं है। महाभारत का युद्ध हो रहा था और भीष्म पितामह बाण सैया पर पड़े थे। भगवान के युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, चलो पितामह से कुछ उपदेश ग्रहण करो, अंतिम समय है। और जब युधिष्ठिर पितामह के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हे पितामह, जब राज्य नहीं थे और राजा नहीं थे तो ये धरती, ये मनुष्य, ये ब्रह्मांड कैसे चलता था? शांति पर्व में है, पितामह कहते हैं, हे पुत्र, ना राज्यम ना राजा सीत, ना दंडो ना दंडिका। वो वैदिक काल था, उस समय ना कोई राजा था, ना कोई गलत काम करता था, और जब कोई गलत काम नहीं करता था तो कोई दंडाधिकारी भी नहीं था। वो वैदिक युग था। वो हमारा वैदिक युग कैसा था? तो कहते हैं कि हमारा वेद, और कहते भी स्वामी जी हमारे भगवान शंकर का वर्णन कर रहे थे तो पाणिनि ने महेश्वर सूत्र लिखा है और उसमें शंकर के डमरू से निकला, यानी शंकर जी के डमरू से क्या निकला? तो व्याकरण निकला। हम उसको अष्टाध्यायी भी बोल सकते हैं। और कैसे निकला? तो कहते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं या जिसका, जिस धर्म का हम पालन कर रहे हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। क्योंकि जो हमारी वाणी है कैसी है, जो शब्द निकलता है कैसे है, तो हम बोलते हैं आ आ इ इ उ उ ए ए अंग आ, और कहां से निकला? यहां कंठ से। फिर बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल, पाणिनि कह रहे हैं। फिर कहां से निकलता है? का खा गा घा, थोड़ा सा ऊपर आते हैं। फिर बोलते हैं चा, यानी तारु में जुड़ जा रही है जीभ, चा छा जा झा या। फिर क्या बोलते हैं? टा, और ऊपर आ गया। फिर था, और अंत में कहते हैं पा आया तो जबान बंद हो गई, या फिर बाहर हो गया। यानी ये क्या है? ये वैज्ञानिक सूत्र है, ये पाणिनि ने दिया, और ये कहां है? तो महेश्वर सूत्र, यानी शंकर के डमरू से निकला ये। और ये वेदों की ऋचाएं कैसी है? तो कहते हैं कि अपने जगत के अंदर चार ऋषि, आदित्य, अग्नि, वायु और अंगिरा,
इन है चार ऋषियों ने जो है, चार ऋषियों के कंठ में ईश्वर ने चारों वेद दिया। इन चार ऋषियों ने ब्रह्मा जी को चारों वेद दिया। ब्रह्मा जी ने सरस्वती नदी के किनारे, और उसमें सृष्टि कैसी थी, तो दो प्रकार की सृष्टि, एक मैथुनी सृष्टि, एक अमैथुनी सृष्टि। इसलिए कहा गया कि ब्रह्मा के मानस पुत्र पश्चिम के लोग जो आए, उन्होंने हमारे वेदों को देखा, मनुस्मृति को देखा, महाभारत को देखा, चूंकि पढ़ाई उनकी कम थी, जैसे भी हमारे स्वामी जी बोल रहे थे, मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ा, पढ़ाई किया नहीं, तो उनकी पढ़ाई क्या थी, तो उनकी पढ़ाई नहीं थी, इसलिए उनको जानकारी ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी तो धरती पर है ही नहीं है, इसलिए महाभारत झूठा है। उन्होंने कहा वेदों के अंदर सर्वाधिक सरस्वती नदी का वर्णन है और सरस्वती है ही नहीं है, ये भी गड़बड़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको जानकारी नहीं है वो धरती पर नहीं है क्या? तो वास्तव में पश्चिम के लोग जो थे वो अज्ञान थे, उनको कुछ आता जाता नहीं था। हमारी बात से बहुत लोग असहमत भी होंगे, लेकिन मैं भी सिद्ध कर देता हूं इन सारी बातों को, क्योंकि हमारे जब वो आए यहां पर तो उनके यहां 11 और 10 महीने का ही वर्ष होता था, नवंबर 9वां, दिसंबर 10वां। यहां आने के बाद उनको ध्यान में आया नहीं भारत की कालगणना वैज्ञानिक कालगणना है, इसीलिए उन्होंने 2 महीने जनवरी और फरवरी 2 महीने बढ़ाया उन्होंने, तब उनके यहां 12 महीने हुए। जो शौच करने के बाद हाथ धोना नहीं जानते वो हमें ज्ञान बताते हैं। इस देश का दुर्भाग्य ये हुआ, और इस देश का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ, इस देश का जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर था वो राष्ट्रद्रोही था, उसने राष्ट्रीयता की सारी चीजों को समाप्त कर दिया। क्या पढ़ाया हमको कि हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, रटाया हमको। वास्तविकता क्या है, हम गुलाम थे क्या? जिन जिन विश्व के जिन जिन देशों में इस्लाम गया, विश्व के जिन जिन देशों में ईसाई गए, वो सारे के सारे देशों का इस्लामीकरण हो गया, ईसाईकरण हो गया, लेकिन हम गुलाम थे तो हम जिंदा कैसे हैं, हम यहां आए कैसे? और अगर हम यहां हैं तो इसका मतलब है हम गुलाम नहीं थे, हमको गांधीवादियों ने, नेहरूवादियों ने, और सेकुलरिस्टों ने, और वामपंथी इतिहासकारों ने हमको गुलाम बनाने की साजिश की 1947 के बाद। हमको इस बात पर बहुत ठीक से ध्यान देना पड़ेगा। कहते हैं कि मनुस्मृति जो है वो धरती का प्रथम ग्रंथ है, क्योंकि मनुस्मृति का वर्णन तो आपको ब्राह्मण ग्रंथों में मिलेगा, उपनिषदों में मिलेगा, रामायण महाभारत मिलेगा, लेकिन मनुस्मृति के अंदर इन सब का वर्णन नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ और सबसे पुराना ग्रंथ है। मनुस्मृति जो स्टाल पर बिक रही है वो स्मृति पर तमाम है, 2657 श्लोक उसमें है, लेकिन ओरिजिनल जो मनुस्मृति है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 664 का जो है उन्होंने खोजा, और बाद में सिद्ध हो गया कि 1100 कुछ श्लोक जो है वो मनुस्मृति का है, शेष छेपक है। अब ये छेपक कैसा है, कोई गुरुकुल का आचार्य संस्कृत का जानने वाला उसके सामने देखेंगे जब, तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बहुत डिफरेंस है, वो अपने आप हो जाएगा। जैसे महाभारत, तो जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा तो एक बम जो है वो चीन की दीवार पर भी गिरा, और उसमें एक टैंक मिला, उस टैंक में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भी मिले, उसमें महाभारत मिला, और महाभारत का नाम महाभारत नहीं था, उसका नाम था जय भारत संहिता, और उसके अंदर कोई 11,000 के आसपास श्लोक थे। आज महाभारत में कितना श्लोक है,
एक लाख पार कर रहा है। तो लिखने वालों ने द्रोणाचार्य के द्वारा एकलव्य का अंगूठे कटवा दिया। ये जो वाल्मीकि रामायण है इसका उत्तरकांड पूरा क्षेत्र है, क्योंकि वाल्मीकि जब लिख रहे हैं तो बालकांड में लिखते हैं कि मैं इतने श्लोक लिख रहा हूं, और उसमें उत्तरकांड है ही नहीं है। लेकिन लिखने वालों ने, क्योंकि देश के अंदर बौद्धों का शासन हो गया, देश में यही राजधानी थी पाटलिपुत्रा, जहां पर सम्राट अशोक जिसको महान कहा जाता, जिसके आगे महान लगा हो, आप समझ जाइए वो भारत के लिए खतरनाक होगा, चाहे वो सम्राट अशोक हो और चाहे वो अकबर हो। उसने, अशोक ने हमारे वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत सब कुछ जलवा दिया। अयोध्या, मथुरा, माला, काशी, कांची, अवंतिका सबको ध्वस्त करा दिया। आप अयोध्या जाएंगे ना, पूछेंगे ये कौन सा अयोध्या है, तो लोग कहेगा ये वो अयोध्या नहीं है, तो ये कौन सा अयोध्या है, तो ये अयोध्या जो है ये सम्राट विक्रमादित्य की बनाई अयोध्या है। इसलिए हम सारे लोगों को अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए मूल ग्रंथ पढ़ना है, उपन्यास नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मेरठ में शास्त्रार्थ चल रहा था, वहां पर तमाम मुल्ला, मौलवी, बिशप, फादर, पास्टर सब इकट्ठा थे। स्वामी जी ने कहा वेद अपौरुषीय है और वेद और सृष्टि 1,96,08,00,000 वर्ष पुराना है। तो सामने बैठे हैं बिशप ने प्रश्न किया, स्वामी जी वेदों की ऋचाओं के नीचे ऋषियों के नाम है, तो आपको नहीं लगता है कि ऋषि उसका लेखक है? स्वामी जी कहते हैं नहीं, ऋषि लेखक नहीं है। ऋषि कौन है? तो ऋषि मंत्र दृष्टा है। मंत्र दृष्टा यानी क्या होता है? तो हम सारे लोग जानते हैं, किसी से पूछेंगे, पंडित से, साधु से, सन्यासी या किसी से, तो अधिकांश लोग आपको बता देंगे कि गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र है। लेकिन वो वेद मंत्र है, उसके रचयिता कोई हो नहीं सकते, वो तो आप से है। तो विश्वामित्र इसमें क्या है? तो विश्वामित्र इस मंत्र के मंत्र दृष्टा है। उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने? उन्होंने साधना करते 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 उन्होंने देखा ये ब्रह्मांड जो है ये आपस में संघर्षण करता है, सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और इसमें कोई आवाज आती है, वो कौन सी आवाज है? वो आवाज है ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो यो नः प्रचोदयात्। अभी 3-4 साल पहले नासा के वैज्ञानिकों ने एक वीडियो भेजा, आप लोगों ने भी देखा होगा, और उन्होंने कहा ब्रह्मांड में कोई आवाज आती है, वो आवाज कैसी है? वो आवाज ओम जैसी आवाज है। अभी तक आप ओम तक पहुंच पाए हैं, हमारे ऋषि जो है पूरा दर्शन किया उन्होंने। इसलिए जो ऋषि है वो लेखक नहीं है, वो रचयिता नहीं है, वो मंत्र दृष्टा है। इसलिए हमारे यहां 12 महीने हैं, 12 राशियां हैं। तो कैसे है? तो ऋषियों ने देखा इस अक्षांतर से इस देशांतर तक ये ब्रह्मांड इस समय मछली का आकार बना रहा है, तो ऋषियों ने कहा इस समय जो है मीन राशि होगा। वहां देखा इस अक्षांतर से इस देशांतर पर ये ब्रह्मांड घड़े का आकार रूप ले रहा है, तो उन्होंने कहा ये कुंभ राशि होगा। यानी हमारा धर्म जो है विशुद्ध विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? तो भगवान के गीता में कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूं। क्यों कहते हैं मैं पीपल हूं? पीपल हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल का बीज, पीपल का पत्ता, पीपल का छिलका सब औषधि है। इसलिए पीपल सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा मैं वृक्षों में पीपल हूं। अब हमारे पूर्वज कैसे वैज्ञानिक थे, कैसे विद्वान थे, पीपल कैसे बचेगा? तो एक ऋचा है वेद की। भगवान कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को 10 संतान पैदा करना चाहिए।
ये ऋग्वेद की ऋचा है, मैं नहीं बोल रहा। और फिर आगे उस ऋचा में कहते हैं कि जिस मनुष्य को एक संतान पैदा होती है उस माता को काकबंध्या दोष लगता है। काकबंध्या दोष यानी क्या है? सुबेरे उसका मुख देखना पाप है, उसका मुख देखना नहीं चाहिए। अब भगवान ने कहा कि भाई 10 बच्चे पैदा करने के लिए तो 10 नहीं कर सकते, तो 4-5 तो कर सकते हैं ना। एकाध सेना में रहेगा, एकाध सिपाही बनेगा। अगर एकाध को ज्यादा पढ़ा दिया, अमेरिका चला गया, तो एकाध तो अपने माता पिता की सेवा करेगा। नहीं तो जानते हैं रांची के अंदर एक बड़े उद्योगपति है, वो बेचारे नर्सिंग होम भर्ती थे। रांची एक्सप्रेस के मीडिया के लोग उनके पास पहुंचे कि आप तो बड़े हैं, आपके दोनों लड़के इंजीनियर अमेरिका में हैं, आप बड़े सुखी हैं। बड़े दुख से उन्होंने कहा, काश एक नालायक बच्चा पैदा हुआ होता जो मेरी सेवा तो करता। वो दोनों बच्चे अमेरिका में हैं, लौटने वाले नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी बेचने लौटेंगे वो। ए वैशाली यहां पर है, वैशाली मेरा एक संत सम्मेलन था, बगल में एक भूमिहारों का गांव था, क्या रहेगा बता दे रहा हूं। इसलिए ये बात ध्यान, स्वामी जी ने कहा ना, भविष्य हमारा आपका भविष्य तो निकल जाएगा, आने वाला समय बहुत टफ है, बहुत कठिन है। मैं वेद की ऋचाओं पर चर्चा कर रहा था कि वेद की ऋचा यानी वो हमारे मंत्र दृष्टा है, वो कालगणना हमारी। तो कहा स्वामी जी, आपने कहा 1,96,08,00,000 वर्ष पुराना, प्रमाण क्या है? तो स्वामी दयानंद ने कहा, हमारे घर में कोई पुरोहित आता है, कोई शुभ काम होता है, तो वो एक स्वस्ति वाचन करता है। वो बोलता है कल युगे कल प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भारत कंडे आर्य बरते, और फिर कहता मासा नाम मासा, यानी एक एक क्षण की गणना है। स्वामी जी ने कहा जिस विधा के अंदर एक एक क्षण की गणना होती है वो विधा कभी असत्य नहीं होती है। इसलिए हमारी काल गणना, हमारी वेदों का प्रादुर्भाव, हमारी सृष्टि की रचना 1,96,08,00,000 वर्ष पुराना है। लेकिन ये कैसे बचेगा? स्वामी जी बोले ना, ये कैसे बचेगा? तो मैं एक घटना सुनाता हूं। महाराजा दाहिर के ऊपर अटैक होता है पश्चिम सीमा। महाराजा दाहिर बड़े पौरुषवान थे, कई बार उन्होंने उसको मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया, लेकिन धोखा हो गया और उनकी ध्वजा किसी ने झुका दिया और वो हार गए। जब वो हारे, आज के वामपंथी इतिहासकार और नेहरूवादी इतिहासकार लिखते हैं कि उन्होंने धर्मांतरण नहीं कराया, लुटेरे और लुटेरे थे, नहीं। उनके यहां पुराण में भी गजवाए हिंद का वर्णन है, वो गजवाए हिंद करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 34,000 हमारी बहन बेटियों को अरब की बाजारों में ले जाकर बेचा। उन्होंने राजा दाहिर की पुत्रियों को, दोनों को लेकर गए वो। राजा दाहिर का लड़का भागता हुआ मेवाड़ महाराणा बप्पा रावल के पास आता है। बप्पा रावल से कहता है, महाराज वो सामान्य शत्रु नहीं है, वो हमारे जैसा नहीं है। हम कैसे हैं? हम क्या सोचते हैं कि जैसे हम है सामने वाला वैसा है, जैसे हमारा धर्म ग्रंथ है वेद है उपनिषद है ब्राह्मण ग्रंथ है, वैसे सामने वाले का भी है। लेकिन उस बालक ने, उस लड़के ने बप्पा रावल को बताया, नहीं वो वैसा नहीं है। तो कैसा था? तो अरबियन हिस्ट्री लिखती है कि भारत के अंदर एक काल भोज नाम का राजा था जिसके पास 31,00,000 की सेना थी। उसका शासन अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक था। वो कालभोज जो है, उसका मूल नाम कालभोज था, उसको कहते थे बप्पा रावल, क्योंकि सारे भील उनको अपना बप्पा यानी बाप मानते थे। वो बप्पा रावल सारे राजपूताने को संगठित करते हुए उसने अरब पर हमला किया और खलीफा के सेनापति को पराजित किया,
पूरे अरब को जीता, उसने विजित किया। समझौते का जब नंबर आया तो हरित मुनि साथ में थे, उस हमारे ऋषि मुनि भी ऐसे केवल पुजारी नहीं होते थे, वो सारे शस्त्र युद्ध चलाते थे और राजा के साथ चलते थे वो। और हरित मुनि ने कहा नहीं, समझौता ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा? जैसे चंद्रगुप्त का और सेल्यूकस का समझौता हुआ था, यानी सेल्यूकस की बेटी चंद्रगुप्त ने लिया था, तो खलीफा के जो प्रधान सेनापति था उसकी लड़की का नाम था मैया। बप्पा रावल की जो पहली शादी हुई वो मैया के साथ हुई। और जब बप्पा रावल लौटा तो हर 100 मील पर एक ठिकाना बनाते आया, ठिकाना बनाते आया। उसमें से एक ठिकाना चमरसेन वंश का भी था, जिसके संत रविदास थे, जिसको आप कुछ सोचते होंगे कि संत रविदास तो चमार थे। अरे वो चमरसेन वंश के राजपूत थे, महाराणा सांगा का कोई धर्मगुरु जो है, कोई ऐसा हो सकता है क्या? और बप्पा रावल की एक शादी चमरसेन वंश से भी हुई थी। इसलिए हमारे लोगों, हमारे पुरुषार्थियों ने वो पुरुषार्थ क्या, उसी समय एक ऋषि का जन्म हुआ। उन ऋषि का जो नाम था देवल ऋषि, उन्होंने एक स्मृति लिखा कि जो जो लोग मुसलमान हो गए उनको सबको हिंदू बनाओ, और सबको हिंदू बना लिया गया। इसलिए शाहजहां का जब काल आया, उसने पूछा अपने दरबार में, इतने लोगों को हमने इस्लाम मतावलंबी बनाया लेकिन ये हिंदुओं मुसलमानों की संख्या बढ़ती नहीं, हिंदुओं की संख्या घटती नहीं। दरबारियों ने कहा हुजूर, भारत में साधु है, सन्यासी है, यहां के ब्राह्मण है, पुजारी है, ये फिर सबको हिंदू बना लेते हैं। इसलिए शाहजहां ने एक फरमान जारी किया कि हिंदू बनाने वाले और बनने वाले दोनों को सजा होगी। समाज में भयाक्रांत हो गया। लेकिन आपको गलतफहमी पालने की कोई जरूरत नहीं है, एक आदि जगत गुरु शंकराचार्य से घर वापसी शुरू हुई, आज तक घर वापसी ये जारी है। इसलिए हमारा समाज कैसा था, कभी कभी हमको लगता है कि कोई बोलने लगता है कि हम तो 1200 वर्ष से गुलाम, नहीं, और अज्ञानता है पूरी की पूरी। अगर मुगल इतने ताकतवर थे तो आगरा से 35 किलोमीटर दूरी पर भरतपुर स्टेट है, और भरतपुर राजा ने हमला किया औरंगजेब के ऊपर, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, जब भागे औरंगजेब अपनी पत्नी लेकर के, तो वहां के से पूछा सैनिकों ने, महाराज जीत तो हम गए, सबूत क्या है, चूंकि हम तो चले चलेंगे भरतपुर। राजा ने कहा इस लाल किले का दरवाजा उखाड़ लो, ले चलो भरतपुर, लगाओ दरवाजा। ओ राजा ने दरवाजा उखाड़ लिया, इतने नहीं किया, आगरा के अंदर अकबर की मजार थी, कहा खोदो इसको, उसको खोदवा करके उसकी हड्डियों को जलवाया उसने जो है। तो अगर वो बड़े ताकतवर थे तो कैसे जला दिया? वो केवल 200-250 वर्ग मील के राजा थे मुगल। हमारे राजाओं से उन्होंने समझौते किए, उन्होंने समझौते किए। जैसे ईस्ट इंडिया आई यहां पर कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो वसूलने का वसूलने के लिए हमारे राजाओं के पास निवेदन किया, महाराज हमको रोजगार चाहिए। आज भी भारत के नौजवान सब रोजगारें मांगते रहते हैं, तो रोजगार में क्या कर दो, हमको मालगुजारी वसूलनी है। राजाओं ने कहा भाई दे दो इनको मालगुजारी वसूलो। फिर कुछ दिन बाद कहा महाराज हमको सिक्योरिटी गार्ड भर्ती करने का आदेश दे दीजिए, क्योंकि चोरी हो जाती है, लुटेरे आ जाते हैं, कोई बात नहीं सिक्योरिटी गार्ड। अंग्रेजों ने सिक्योरिटी गार्ड के बदले सैनिक भर्ती करना शुरू किया, इसलिए 1857 का युद्ध हुआ। इसलिए 1857 का युद्ध हुआ। 1857 से लेकर 1860 के बीच में केवल दो प्रांत बिहार और उत्तर प्रदेश में 20 लाख लोग मारे गए, 20 लाख लोग मारे गए। धर्मपाल की एक किताब है, धर्मपाल कोई आरएसएस के नहीं है, कोई नेशनलिस्ट नहीं है, धर्मपाल तो गांधीवादी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत का सारे प्रांतों की जो लिटरेसी है,
कहीं पर 90%, कहीं पर 99% लिटरेसी थी। आज भी हमारी लिटरेसी 19% कहीं नहीं है। ये भारत इतना प्रगत था, हमारी लिटरेसी ऐसी थी। और फिर वो उसी पुस्तक में लिखते हैं भारत के अंदर 7 लाख गुरुकुल थे। तो 7 लाख गांव नहीं रहे होंगे, इसका मतलब है प्रत्येक गांव में 2-2, 3-3, 4-4 गुरुकुल थे देश के अंदर। हम इतने प्रगत थे, ये गड़बड़ी कहां हो गई? 1857 के बाद ब्रिटिश ने हमारे सारे उसको ध्वस्त कराया, गुरुकुलों को। और राजा राम मोहन राय नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ है देश के अंदर। अंग्रेजों ने उसको भगवा कपड़ा लपेट करके साधु बनाया उसको, और क्या कहा कि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। मैं गया बंगाल, मेरा प्रवास था, तो मैं बोलते बोलते बोला है थोड़ा राजा राम मोहन राय के बारे में कि अंग्रेजों का आदमी था। तो बंगाली ने बहुत होता, कुछ लोग खड़े गए, भाई साहब वो तो बड़े भारी सन्यासी थे, उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। 125 लोग हमारी बैठक में थे। मैंने पूछा कि आपके घरों में कोई सती हुआ हो तो हाथ उठाओ। एक को नहीं हाथ उठाया। अच्छा, यहां जितने लोग बैठे किसी घर में सती हुआ है क्या? जब कोई सती नहीं हुआ तो किसका अंत किया राजा राम मोहन राय ने? ये भी कहानी गढ़ी गई, और झूठी कहानी गढ़ी गई। वास्तव में हमारे यहां जौहर हुआ, बलिदान हुआ, वो सती नहीं था। अगर सती प्रथा थी तो राजा दशरथ के मरने के बाद तीनों रानियां जिंदा क्यों थी? कौरवों के मरने के बाद सारी रानियां जिंदा क्यों थी? इसलिए वास्तव में सारी यह कथाएं हमको योजनाबद्ध तरीके से फर्जी महापुरुष बनाना, फर्जी साधु बनाना। राजा राम मोहन राय कहता था ये अंग्रेज तुम्हारे देवदूत हैं, जो कहते हैं करो। और स्वामी दयानंद ने क्या कहा वायसराय से? वायसराय ने कलकत्ता में स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप कहते हैं कि बिना स्वधर्म के स्वराज कायम नहीं हो सकता, तो स्वामी जी स्वधर्म क्या है? तो स्वामी दयानंद कहते हैं वैदिक सनातन धर्म ही स्वधर्म है। और स्वामी जी स्वराज क्या है? मैं तुमको इंग्लैंड भेज दूं, ये स्वराज है। ये कहने वाला पहला सन्यासी था। इसलिए बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस देश के अंदर, ये कोई पंथ नहीं हमारे ऋषियों ने चलाए, रामानुजाचार्य ने कोई पंथ नहीं चलाया, रामानुज स्वामी ने कोई पंथ नहीं चलाया। उन्होंने क्या चलाया? रामानुजाचार्य ने इस देश के अंदर क्रांति पैदा किया, भक्ति मार्ग चलाया। उसके पीछे मैं जाऊंगा नहीं, लंबा समय हो जाएगा। इसलिए रामानंद स्वामी ने क्या किया? तो रामानंद स्वामी ने भक्ति मार्ग चलाया, द्वादश भागवत शिष्य लेकर सारे भारत के अंदर भ्रमण किया। और भ्रमण ही नहीं किया तो श्री विजय नाम का ग्रंथ, उसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई मुसलमान अयोध्या के बीच से गुजर जाता था तो उसकी दाढ़ी हट जाती थी, चोटी निकल आती थी, त्रिपुंड लग जाता था। यह उनका दिया हुआ है कैसे हो जाता था। तो ये मंत्र नहीं मारते थे वो, हमारे पास लश्करी संप्रदाय, हमारे पास नागा संप्रदाय, वो बदला लेते थे, वह तुरंत ठीक कर दिया करते थे। इसलिए श्री विजय नाम के ग्रंथ में लिखा है कि वहां के वैश्य राजपूत, ये जो अयोध्या के चारों तरफ जो ये गोंडा है, बहराइच है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मुसलमान हुए थे। 34 राजा हरि सिंह अयोध्या के उसमें राजा थे, उनके नेतृत्व में 34,000 राजपूतों की घर वापसी किया। ये श्री विजय नाम के ग्रंथ में स्वामी रामानंद स्वामी ने किया इसको। इसलिए हम सारे लोगों को अपने पौरुष को भूलना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे? भारतीय सत्ता, भारतीय सत्ता। मैं बात करता हूं हस्तिनापुर के बाद भारतीय सत्ता का केंद्र जहां आप बैठे हैं, ये पाटलिपुत्रा। 2600 बरस इस पाटलिपुत्रा ने चक्रवर्ती सम्राट की भूमिका निभाई। कभी चंद्रगुप्त रहा होगा, कभी पुष्यमित्र शुंग रहा होगा, कभी राजा विक्रमादित्य रहा होगा, और उसके बाद सत्ता का केंद्र बदल करके चला गया उज्जैन, महाराजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद सत्ता का केंद्र बदल का हुआ कन्नौज, महाराजा हर्षवर्धन। और उसके बाद सत्ता का केंद्र जब बप्पा रावल का प्रादुर्भाव हुआ,
तब से भारतीय सत्ता का केंद्र जो है मेवाड़ हो गया, चित्तौड़ हो गया। यह झूठी कथा बताई जाती है कि मुगल नाम की कोई सत्ता थी, नहीं। अगर मेवाड़ की सत्ता है तो मुगल सत्ता नहीं है, यह गलत है, यह गलत है, गलत है। क्योंकि बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक उधर चक्रवर्ती थे सारे के सारे। ये नेहरूवादी इतिहासकारों ने इस इतिहास को समाप्त करके इस्लाम को प्रभावशाली बनाने का काम यहां पर किया। हमारे लोग कैसे थे? देवय का युद्ध, अकबर के दो महान सेनापति बड़े ताकतवर वहां गए और एक सीमा पर राणा प्रताप थे, दूसरी पर उनका 16 वर्ष का बालक अमर सिंह था। मान सिंह चिल्लाया जोर से, भाग भाग। वो भाग नहीं पाया जो अकबर का सेनापति था। राणा ने एक ही वार किया, सिर से लेकर घोड़े तक फाड़ दिया, स्टेचू बन गया वहीं पर। और उसी समय दूसरी तरफ का जो सेनापति था राणा अमर सिंह, जिसकी यार 16-17 साल थी, एक ही भाला मारा, सिर से घुसा, घोड़े के नीचे जमीन में धस गया, वो वही स्टैचू बन गया। ये कौन से वीर थे भाई मुगल लोग? जो है कहीं हमसे टकरा पाए क्या? कोई टकरा नहीं पाए। और ये कहना कि हम में फूट थी, अभी गलत बात है। सारे के सारे रजवाड़े सब इकट्ठा थे, सब इकट्ठा होकर युद्ध किया। हम इतने दिनों तक रहे, आज हैं, आगे भी रहने वाले हैं, इसलिए वास्तव में निराशा का कोई कारण नहीं है, निराशा का कोई कारण नहीं है। आपको पता है केवल केरल के अंदर 20 लाख एक्स मुस्लिम है, इस्लाम छोड़ दिया है। इतना नहीं, अरब देशों के अंदर पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की वीडियो आई हुई है, अब हम कहां जाए, सारे लोग इस्लाम छोड़ रहा है। जो कुरान पढ़ लेगा वो इस्लाम छोड़ देगा। इसलिए अरब देशों की हालत ठीक नहीं है। 25 साल के अंदर 1,25,00,000 मुसलमान मारा गया है। क्या अमेरिका ने बम गिराया है क्या कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाकर भोंक दिया उनको? नहीं, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। जानते हैं आप, एक कमरे में शाम को भोजन कराकर 4 साधुओं को हमारे बैठा दीजिए, कोई सह होगा, कोई साक्त होगा, कोई यार समाजी होगा, सुबह निकलेंगे उनके चेहरे पर कांति होगी कि आज हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ शास्त्रार्थ में। लेकिन अगर सिया सुन्नी भाई कादियानी इनको 4 को एक कमरे में बैठाए तो क्या होगा सवेरे? शायद कोई जिंदा मिलेगा। इसलिए सारे विश्व के अंदर जिसको आतंकवादी बोलते हैं ना, एक भी मुस्लिम लीडर उन्हें आतंकवादी नहीं बोलता, वो सही काम करता है। क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी नहीं है, वो खलीफा है इस्लाम में, और ये खलीफाओं का युद्ध है, और उस खलीफाओं के युद्ध में मोमिन मारे जाएंगे, मोमिन मारे जाएंगे। सारे विश्व का मुसलमान आतंकवादी घोषित हो चुका है। और जानते हैं आप, भारत का मुसलमान आपके इंतजार कर रहा है, कब आप अपना कपाट खोलेंगे, तुरंत वो ज्वाइन कर लेगा आपको, बहुत लेट नहीं लगेगा। जानते हैं, जो कौम तलवार देखकर सलवार पहन लेती है, वह कौम तलवार देखकर सलवार उतार भी देती है। आपको अपनी ताकत की आवश्यकता है। यही बक्सर के अंदर एक भूमिहार सम्मेलन हमने किया, और एक दाढ़ी वाले को आ गया, दाढ़ी वाला भी। मैंने वहां पूछा, यहां लोग भाई पूछा, स्वामीना जी आप दाढ़ी वाले क्यों बुला लिया? ना ना, ये बोलेगा, ये भूमिहार था पहले ना, शकरवार भूमिहार है। मैंने कहा मेरे बोलने से पहले बोलवा दीजिएगा, पता नहीं गड़बड़ करेगा तो मैं बोलूंगा। वो आया, उसने इतनी मोटी किताब भेंट किया, पुस्तक का नाम है कमसरनामा, और उसने कहा सर पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी जात के लोग जो मुसलमान हुए हैं उनका सब जिसमें चैप्टर है सर, कहां कौन है उनका सारा गोत्र है इसमें सर, वी आर रेडी, हम आने के लिए तैयार है सर, अपनी तैयारी करिए।
एक रात को 11 बजे मुझे संघ कार्यालय मेरे पास फोन आया, उसने नाम नहीं बोलूंगा, सब लोग जानते उस नाम को, बड़ा आदमी है वो, सर मैं थला बोल रहा हूं। हमने कहा रॉन्ग नंबर, काट दिया, दोबारा काटा, तिबारा का नहीं सर, काटे नहीं, राइट नंबर मिलाया हूं, मैं फला सर, फला आप है जानते हैं। हम कहा ओ अच्छा फला क्या है बताओ ना। सर मैं आरके सिन्हा के, आरके सिन्हा यहां राज्यसभा सदस्य थे, मैं उनके यहां गया था सर, उन्होंने कहा कि आप लोगों का इलाज सुबेदार जी के पास है। तो मैंने कहा कि आप ठकुराई है क्या, जोर से चिल्लाया सर मैं चौहान राजपूत हूं, सर चौहान राजपूत हूं, सबको अपना कुल गोत्र सब याद है, वो आने की तैयारी में है, और इसका केवल एक इलाज है, आप 20 करोड़ को समुद्र में नहीं डाल सकते हैं, इनकी घर वापसी के अलावा कोई चारा नहीं है, इन पर दया करिए, इन पर दया करिए, क्योंकि सारे विश्व में तो मारे जाएंगे, कोई माइकला इनको बचा नहीं सकता, इनका अंतिम वही होने वाला है। कि सारे विश्व के अंदर जो इस्लाम की दुर्गति है, उस दुर्गति के अंदर जो भारत के लोग हैं, ये भी आशंकित है, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब आप अपना हाथ पैर फैला करके उनका स्वागत करेंगे, और उनकी अंतिम इच्छा भी यही है, चूंकि मेरी बड़े बड़े लोगों से भी वो है, वो चाहते हैं आना, लेकिन हमको अपना जो है अपने कपाट को खोलना पड़ेगा, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और यदि हमने अपनी तैयारी किया तो वास्तव में सारा जगत सारा हिंदूमय होगा। मैं समझता हूं इतना ही पर्याप्त है, न्याय मंच ने हमें बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।